अयोध्या में प्रभु राम साक्षात विराजमान हो गए और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में आज थानाध्यक्ष सहजनवा और एसओजी प्रभारी द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 376 डी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद ताहिर अली सनौ मोहम्मद हसन है जो खलीलाबाद का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सनसनी केस घटना सामने आई है। यहां सहजनवा थाना क्षेत्र के रानूखोर गांव के पास आजमगढ़ की एक युवती से गैंगरेप किया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गए। युवती किसी तरह निर्वस्त्र हाल में गाँव पहुंची तो लोगों का दरवाजा पीटने लगी। ग्रामीणों ने उसे कपड़े दिए, साथ ही घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। आपको बताते चले, बेटी के साथ हुई घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि बेटी को उसकी मां ने किसी बात पर डांट दिया था, जिससे वह नाराज होकर घर से निकल गई। इसे कुछ दूर जाने पर एक युवक मिला, जिसने उसे मदद का भरोसा दिलाया और घर वापस पहुंचाने का वादा किया। उसके बाद उसने बहाने से बस में बैठाकर घर पहुंचाने के बजाय गोरखपुर लेकर चला गया। गोरखपुर पहुंचने पर रात हो गई थी, इस नाते उसने कहीं खाना खिलाया और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। उसके बाद आरोपी और उसके एक दोस्त ने बेटी के साथ आमी नदी के किनारे रानूखोर गांव के पास दुष्कर्म किया। सुबह होने से पहले वह बेटी को छोड़कर फरार हो गए। बेसुध हालत में पड़ी बेटी को जब होश आया तो वह सुबह में गांव की तरफ बढ़ी और लोगों का दरवाजा खटखटाने लगी। एक शख्स ने दरवाजा खोला तो उसने उसे कपड़े लाकर दिए। उसके चेहरे और शरीर पर खरोंच के निशान थे। तत्काल उसने अन्य ग्रामीणों की जानकारी देने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सहजनवा थाना अध्यक्ष मदन मोहन मिश्र मौके पर पहुंच गए और पीड़िता को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर युवक और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। संत कबीर नगर जनपद के गैंगस्टर से मुठभेड़ हुई है, जिसके पैर में गोली लगी। उसने ही अपने साथी के साथ घटना को अंजाम दिया है। उसका नाम ताहिर अली है। वह संत कबीर नगर जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोती नगर का निवासी है। पुलिस अभी उससे और भी पूछताछ कर रही है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।